घूमना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है, इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद इतना आनंद मिलता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने में हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो कमेंट्स करते रहिए। हर कमेंट का हम रिप्लाई करने वाले हैं 100% यहाँ। चलिए देख लेते हैं उन सभी के नाम जिन लोगों ने सनातन धर्म प्रचार के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। थैंक यू देवीदास जी, शिव कुमार यादव जी, राजेश जी, अंजन कुमार नाइक जी, संदीप सिंह जी, विनय कुमार वेद जी, सुनील जी। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि सनातन संस्कृति का प्रचार विश्व भर में हो, और मुझे पता है आप में से कोई भी वहां तक नहीं जा सकता, इसलिए आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट करके। ये QR कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे तो आप कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोगों को मैं असली जिंदगी में डोरेमोन नाटक देखा होगा ना, उसमें जो नोबिता है उनसे मिलाने वाला हूँ। सो हियर इज द नोबिता ऑफ डोरेमोन कैरेक्टर। डोरेमोन, you mean the Doraemon? I look like Doraemon guy. Yeah, you like look that. Like Doraemon. Okay. Though. You have the same goggles and the same hairstyle. Okay, before the glasses. Oh, you see, 100%. Yeah. You are Nobita. Where is your Doraemon? you are blue Krishna. Krishna is Doraemon, right? Krishna gives everything. Yeah. Very nice. When you joined like ISKCON? Like 5 months ago. 5 months ago? Mm. Okay, so what's your good name? Max. Max. Yeah. So you're now pure vegetarian? Yes. Great. Vegetarian, yeah. Because in China, like in Hong Kong, you become vegetarian, it's a very rare thing. Yeah. And you understand this philosophy? Wow. Amazing. Yes. Because I have other spiritual foundation before coming to ISKCON, so I'm not like brand like Buddha new. And all? Yeah, something like that, like New Age, some impersonalist, so everything, a bit of everything. Yeah, but ISKCON philosophy totally slayed. Yeah, it's amazing. That's good. I think Krishna is more happy. Yeah. For you becoming, taking one or two steps. Yeah. Because for your situation, it's like very very difficult. Yeah. For me, it's okay. Like personally, I think it's okay. Not very difficult. But of course, I know that like for other people. There may be also some like preaching in Hong Kong, preaching in China especially, there are more difficulties. But just step by step. Mm-hmm. Yeah. Mm. Yeah, that's good. Yeah. Nice talking to you, Max. Yeah, Adivo. You will be seeing your videos on this YouTube channel later someday. Yeah. Adivo. 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 Nice to meet you, nice everyone. Adivo. तो इसके बाद ये प्रभु जी हमारे YouTube चैनल देखने लगे और उसमें इनको दिख गया रशिया का हरिनाम टूर। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो जाओ यार देखो, रशिया की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो जाकर देखो। हरि बोल। और जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे फेवरेट मेरा समय है प्रसादम का, क्योंकि हर बार क्या मिलने वाला ये आपको पता नहीं है। फर्स्ट वीडियो जो हरिनाम की फर्स्ट हांगकॉन्ग वीडियो थी उसको आपने बहुत प्यार दिया, और ये देखो फिर से हम प्रसादम ले रहे हैं। उस वीडियो में मैंने बार 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 प्रसादम लिया, खैर वो तो रोज ही लेता हूँ, बार बार मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ। तो ये देखो आज एकादशी है, और एकादशी पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है देखो। ये हनी है, ये शहद है, और वो लड्डू पता नहीं चीज़ बॉल्स हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है प्रसाद। तो तो आज का प्रसाद हम देख सकते हो, एकादशी का प्रसाद हम है, और गाल फूल गए मेरे खा खा के, देखो कैसा हो गया मैं, बिल्कुल मोटा सा हो गया। तो आज पहली बार बोट का सफर भी करने वाला हूँ, जो है हांगकांग बोट का सफर। मायापुर के बाद दूसरा ये सफर है भाई।
सब लोग आ चुके हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं।
सामने मस्जिद है और यहाँ पर हम लोग हर बार संकीर्तन करते हैं। बिल्कुल मस्जिद के सामने और कोई भी समस्या आज तक नहीं हुई। तो ऐसा है कि यार देश बदलने के बाद लोग भी सभी मिलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक संकीर्तन करने में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है। तो मैं जो डीजी मेविक के जो ऑफिशियल स्टोर पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि ओपन हुआ नहीं है उस स्टोर। तो देखते हैं थोड़ा सा चलने के बाद। और लेकिन लड़कियों के कपड़े यहाँ बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, सस्ते। लड़कों के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, ये बड़ी ना इंसाफी है। बाकी मोस्टली तो आपको नॉन वेज ही मिलता है, कहीं पर भी चल जाओ ये अजीब गरीब चीज़ें बनाते हैं। ये देखो, मतलब कुछ भी पकाते हैं, कुछ भी जो मिला वो पका देते हैं। आप नहीं खा सकते यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसी जगह पे आप वेजिटेरियन में क्या ही करोगे खा के, वेजिटेरियन फूड भी बोलेगा कि आप क्या ही करोगे मुझे खा के, सब तो नॉन वेज हो गया। चलो मैं भाग के थोड़ा निकल चुका हूँ, एक तो क्रॉस कर ही लिया है मैंने। अब वो सामने वाली लाइन में देखो डीजी का मुझे दिख भी रहा है, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया यार इन्होंने। मैं आ तो गया हूँ पर ओपन अभी तक किया नहीं। तो चलो थोड़ा इंतजार करते हैं, थोड़ा चैंटिंग करते हैं पूरे समय और फिर देख लेंगे एक टूर डीजी का भी हो जाए। क्योंकि ऑफिशियल स्टोर मैंने तो आज तक नहीं, रीसेलर्स होते हैं ऑफिशियल स्टोर और ड्रोन सबसे बड़ी बात इंडिया में लीगल है ही नहीं, तो ये चीज़ तो बहुत ही रेयर है। तो जिनको इंटरेस्ट है ड्रोन का और जिनको देखना है कि हांगकांग में ड्रोन का क्या प्राइस है, देखते हैं मैविक मिनी देखते हैं, एयर देखते हैं, प्रो देखते हैं क्या प्राइस है। अगर कुछ अच्छा लगा तो हो सकता है ले लें, पर देखते हैं। यहाँ का बस एक रूल मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बहुत लेट शॉप ओपन करते हैं यार। अभी 10 बज रही है, 10 बजे तब भी किसी का कोई अता पता नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये शोरूम दिख रहा है डीजी का काम है यार, गिरा दिख रहा है शायद आप लोग। तो यार स्टोर 10 बजे भी ओपन नहीं है। अब इंतजार करें कितना करें, और मुझे लगता है कि 12 बजे तक 2 घंटे इंतजार कौन करेगा यार, ये क्या बात हुई। चलो देखते हैं, और शाम को भी जल्दी 7 बजे बंद हो जाते हैं, 7-8 बजे मैक्सिमम, क्योंकि संकीर्तन में मैं रहता हूँ दिन भर तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। सुबह हम लोग शुरुआत कर देते हैं, मतलब अभी हम लोग 4 बजे शुरुआत कर देंगे संकीर्तन की, फिर वही 8 बजे नहीं है, फिर प्रसाद हम लेते लेते 9 बजे। तो दोस्तों ऑफिशियली मैं ड्रोन डीजी का ऑफिशियल स्टोर हम लोग का विजिट करने वाला है। यार वो भाई साहब तो बता रहे हैं कि बड़ा लेना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बजट फ्रेंडली बहुत अच्छा है। मिनी 2 बिल्कुल 30,000 रुपये में पड़ रहा है, 31 मिनट का टाइम है, लेकिन ये 4K नहीं है, है ना। और तो मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं संकीर्तन से डायरेक्टली ड्रोन की शॉप पर क्यों आ गया और ये सब चीज़ें मैं क्या देखने लगा हूँ। तो देखिए हम लोग शूट करते हैं क्योंकि हरिनाम चल रहा है, कहीं ना कहीं शूट तो करना ही रहता है। तो मैं एक साथ सोच रहा हूँ कि अगर ड्रोन होगा तो यार कितना अच्छा आप शूट कर सकते हो ना। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास अच्छे कैमराज होने चाहिए, अच्छे ड्रोन्स होने चाहिए, हर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से आप शूट कर पाओ। और जो आप ये देख पा रहे हो ये भी तो कहीं ना कहीं शूट की हुई है ना। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है, और ये सब चीज़ें हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, बस यही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए आगे देखते हैं। जिन लोगों को थोड़ा भी कैमरे में अगर नॉलेज है तो वो ये देख सकते हैं, ये जो ब्रांड है हेजल ब्लेड, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट के कैमरास बनाती है, बहुत ही एक्सपेंसिव और नॉच क्वालिटी होती है इनसे जो भी पिक्चर्स निकलती हैं। तो ये बहुत ही प्रीमियम स्टोर है, सोचो हेजल ब्लेड का यहाँ पर एक शोरूम है जो कि ऑफिशियल है, रीसेलर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको इंडिया में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। तो जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हो
तो ये सब चीज़ें एक बार यार विजिट करना बिल्कुल ज़रूरी है, एक बार विजिट तो करना ही चाहिए। और अगर आप में से कोई स्पॉन्सर कर सकता है ड्रोन तो बिल्कुल आप, ये QR कोड खैर स्टार्टिंग में मैं दे रखा है, मैंने लास्ट में भी एक QR कोड दे दूंगा, अगर आप में से कोई भी सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट करना कर सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही ये सब वीडियोस बन पाती हैं। और विश्वास मानिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो संकीर्तन में हैं, वो किसी चीज़ को कमाने, पैसा वैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं। और हम लोग कोई घूमते नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ विजिट करते ज़रूर हैं। तो ये ड्रोन शॉप भी आप लोगों को मैंने दिखा दी, हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। वो वाला फर्स्ट वाला, इधर वाला, वो जो है, आइए और साथ में ये डिस्टेंस भी बहुत कम होता है, और एक 4K का इसमें नहीं है, 2.7 के ओनली होता है इसमें, 2.7 के 4K लेंगे ना हम, जब भी लेंगे क्यों ऐसा करेंगे, रेंज भी कम सब। तो ये अपने को लगभग पूरा तो 30,000 के आसपास फी डिपिस में पड़ रहा है, इंडियन करेंसी ज्यादा हो जाएगा। हां ज्यादा हो जाएगा, अभी कितना रेट चल रहा है? हां मतलब 10 ही लगा लो एप्रोक्सीमेटली, 30,000-31,000 रुपए का पड़ रहा है ये। वो कितने का पड़ेगा, वो तो डबल का पर पड़ रहा है, डबल नहीं बस। इस पे डिस्काउंट वगैरह भी होगा क्या कुछ? एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ भी है, बहुत कुछ प्लस पॉइंट है इसमें बोले तो। नहीं पर वो नहीं दिखा रहा सर कितना मिनट चलता है ये, वही है 41 मिनट का है टाइम, दो एडिशन इसमें आता है। तो दोस्तों देख दा के हम तो आ गए वापस मंदिर, और यहाँ पर लिया प्रसाद, क्योंकि एंडिंग में प्रसाद लेके अब सो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए फाइनेंशियली। और मैं यहाँ पर घास फूस खा रहा हूँ, बस ये रह गया जीवन में, देखो क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये QR कोड दे रखा है, अगर आप अभी भी चाहते हो जाते जाते अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो। हरे कृष्णा।